हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शेड्यूल एम के बारे में शेड्यूल एम के अंदर आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी रेगुलेशन इन इंडिया जीएमपी रेगुलेशन वी आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अमेंडेड शेड्यूल एम इन 1988 एट कब हुआ था ये 1988 में हुआ था यह अमेंड हुआ था हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में ही बात करी है कि ये कब आया है मतलब जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बन गया था उसके बाद इसमें कुछ करेक्शन किए गए थे और उसी में उसी में क्या है हमारा शेड्यूल अहम आता है अगेन अमेंडेड बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 2001 एंड एम्ब्रेस रूल 71 74 76 78 अंडर द डी एंड सी रूल क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ही ये रूल्स बनाए गए हैं जीएमपी क्या होता है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर विच वैन फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग फॉर थेरापेटिक गुड्स हेल्प इंश्योर दैट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर विल हैव द रिक्वायर्ड क्वालिटी जी का मतलब क्या होता है कहाँ पे होती है जैसे हम लोग कंपनीज वगैरह में जाते हैं वहाँ पे क्या होती है जी एम गाइडलाइन फॉलो की जाती है शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग ही ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसी के अकॉर्डिंग उसके टेस्टिंग वगैरह की जाती है शेड्यूल एम शेड्यूल एम मतलब जी एम में क्या होता है गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस ठीक है इसका फुल फॉर्म है इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे दैन फिर उसके बाद में हम इसका शेड्यूल एम में पार्ट वन पार्ट टू देखेंगे पार्ट वन जीएमपी फॉर प्रीमाइसिस एंड मटेरियल पार्ट टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है देन फिर शेड्यूल एम वन टू एंड थ्री के बारे में देखेंगे वॉट इज जी एम पी जी एम पी इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस दो डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में एक हो क्यू ए होता है और एक क्यू सी होता है ठीक है क्यू सी में क्या करते हैं जो हमारी ड्रग है उसकी टेस्टिंग करते हैं कि डिजॉल्व अच्छे से हो रहा है डिसइंटीग्रेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है सेम इसी तरह से जी एम पी के अंदर क्या आता है क्यू ए क्यू ए में हम लोग डॉक्यूमेंट्री वर्क करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि कौन सा टेस्टिंग कब की गई किस डेट पे की गई क्या रिकॉर्ड रहे क्या नहीं रहे ये सब हम लोग क्या किस में देखते हैं क्यू ए डिपार्टमेंट में ये किसका पार्ट होता है जी एम पी क्यू ए का विच आर ए एंड क्यू ए विच इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली मैनुफैक्चर एंड कंट्रोल टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट टू देयर इंटेंडेड यूजेस शेड्यूल एम सॉरी रिक्वायर्ड फॉर ऑफ़ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है शेड्यूल एम शेड्यूल एम वन किसके लिए होता है होम्योपैथिक प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल एम टू होता है कॉस्मेटिक के लिए और शेड्यूल एम थ्री होता है मेडिकल डिवाइसेस एम वन एम किसके लिए होता है इक्विपमेंट के लिए और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए एम वन होता है होम्योपैथिक एम टू होता है कॉस्मेटिक एम थ्री होता है मेडिकल डिवाइसेस के लिए शेड्यूल एम पार्ट वन में प्रीमाइसिस एंड मटेरियल में पार्ट ए से लेके एफ तक होता है ए में आता है स्टेराइल प्रोडक्ट पैरेंटल प्रिपरेशन स्टेराइल ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन बी ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म सी ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए टॉपिकल प्रिपरेशन डी मैटरेटेड डोजेस के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट किस में आता है पार्ट वन एफ में आता है जीएमपी फॉर प्रीमाइसिस एंड मटेरियल क्या क्या प्रीमाइसिस एंड मटेरियल है जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट होने चाहिए वेयर हाउस कैसा होना चाहिए मैन कंपनी का वेयर हाउस कैसा होना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्शन एरिया में क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए किस तरह से एस लिखी जाती है देन एंसिलरी एरिया क्यूसी एरिया पर्सनल हेल्थ क्लॉथिंग सैनिटाइजेशन ऑफ वर्कर मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोल सैनिटाइजेशन इन मैनुफैक्चरिंग प्रीमाइसिस रॉ मटेरियल इक्विपमेंट इन सब के लिए जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते हैं किस तरह से हमें टेस्टिंग करनी है किस तरह से वर्क करना है एस रिकॉर्ड रेफरेंस सैम्पल को किस तरह से कलेक्ट करना है क्यू सिस्टम किस तरह से होना चाहिए क्या हर इक्विपमेंट के पास में एस होना चाहिए सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू